लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन रहा था। मैंने आपको बताया था अगर इसका ब्रेकआउट आया तो आपको 40,000 का लेवल सीधे सीधे अचीव होता हुआ नजर आएगा, वो सिचुएशन हमने देखी थी। फिर मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक और पैटर्न बताया था, यहाँ पे एक और पैटर्न फॉर्म हो गया था। ये तो मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो इसी जोन में चलने की कोशिश करेगा, अगर इस जोन में चलता तो हमें रेजिस्टेंस का भी पता था, सपोर्ट का भी पता था, लेकिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके इस रेंज को दे दिया है ब्रेकआउट, तो उससे अगली मार्केट की जो रुकावट हमें दिखाई दे रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो इस वाले जोन में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। फरवरी में मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया था, जनवरी में मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरफ किया था, नवंबर में जाएंगे हम, अक्टूबर में जाएंगे, अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे एक बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिला था, और उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपको मार्केट इन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा। चलो इनका डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे जो दिखाना चाह रहा था वो सिचुएशन आपको समझ में आ गई। वापस हम वहीं पे आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और मंडे को हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है हमें एक एक चीज का डिस्कशन करेंगे। पहले समझेंगे फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, अगर गैप अप ओपनिंग मिली तब क्या करना है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तब क्या करना है। इन चारों सिनेरियो को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और ये सब कुछ हम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे एमस्टॉक है क्या, आपको यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इनके प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ई मार्जिन फैसिलिटी मिल रही है, आप स्टॉक खरीद बेच सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसीज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, और आईपीओ में भी पार्ट ले सकते हैं। यानी कि लगभग आप देखेंगे सभी प्रोडक्ट के थ्रू आपको ये फैसिलिटी दे रही है। अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, जीरो ब्रोकरेज है, कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बेफिक्र आप वीडियो में बने रहिए, सारी डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके देख सकते हैं। फिलहाल वापस आते हैं इस सिनेरियो को समझते हैं, यहाँ पे हमारा ये पैटर्न नजर आ रहा है, कौन सा ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस लाइन, इसे हम कहेंगे सपोर्ट। अब एक एक पॉइंट ध्यान से समझ, अगर मार्केट इसी चैनल में घूमता है, इसी रेंज में मार्केट घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो इससे हमें पता क्या चलेगा, रेजिस्टेंस का हमें पहले पता है, सपोर्ट का पहले पता है, क्योंकि हम इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आए उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्या क्या टारगेट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है, क्या इतना इजी है बाइंग करना, सिर्फ इसके ही ब्रेकआउट पे हम बाइंग करने चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, या फिर इसके ही ब्रेकडाउन पे हम सेलिंग करने चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि बाइंग किस सिचुएशन पे करना है या फिर सेलिंग किस सिचुएशन पे करना है, ये चीज हमें बताएगी हमारा नो ट्रेडिंग जोन। तो चलिए सीधा मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन पे लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि कहाँ पे आपको बाइंग करनी है, कहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई देगी, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,688, जो कि क्या है हमारा 31st का डे हाई, यानी कि आज का डे हाई, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक वैसे ही नीचे आप देखेंगे, नीचे हमने लिया है 40,468 का। अब ये जोन क्यों आइडेंटिफाई किया है, दरअसल मैं प्लान क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहे हैं, और जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, और मैंने आपको समझाया हुआ है अगर कोई रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या क्या सिचुएशन रहेगी सारी सिचुएशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला डिस्कशन करते हैं अगर फ्लैट ओपन होके आया मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। पहली चीज, डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर होना चाहिए, दूसरी चीज
डे हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। किसके डे हाई का? 31st के डे हाई का। हमारे लिए 31st पर डे हाई क्या है? प्रीवियस डे हाई की ट्रैक करेगा हमारे लिए। यानी कि हमें किसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए? 40,688 का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। चीजें समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान देने वाली है, हमें 31st के डे हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई और जो कि लेवल है 40,688। जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाइंग के लिए प्लान होना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, अगर वॉल्यूम नहीं आया तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। डिपेंड वॉल्यूम कैंडल मैंने आपको बताया किस तरीके से लगाना है। अगर वॉल्यूम नहीं आता तो आप इसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। ऊपर के लिए क्या क्या टारगेट रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, मैं आपको पिवट पॉइंट की मदद से समझाऊंगा। फिलहाल दूसरी सिचुएशन समझो, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे इनके प्लान के बारे में समझा देता हूँ। एम स्टॉक के जीरो ब्रोकरेज प्लान के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो प्लान दिखाई देंगे। यहाँ पे आप एक प्लान के साथ जा सकते हैं जो कि 999 का प्लान है। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज पे करना है। लेकिन अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए ये बेहतर प्लान है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इनके चार्जेस देखो, एम स्टॉक के चार्जेस आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? जीरो जीरो। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो यहाँ पे कुछ चार्जेस लेते हैं आपके, जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो भी चार्जेस लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो ये सारी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एम स्टॉक पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। हालांकि जो अदर चार्जेस है वो भी अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली अदर चीजों के, चाहे वो फुल सर्विस ब्रोकर हो या डिस्काउंट ब्रोकर है, या तो लगभग उनके इक्वल है या फिर उनसे कम आपको यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपको इनके प्लान के बारे में भी पता चल गया। वापिस वहीं पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हमारी पहली कंडीशन क्या रहेगी? 31st के डे क्लोज से मार्केट नीचे रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन 40,468 का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो जैसे ही मार्केट 31st के डे क्लोज से नीचे आता है तो 40,468 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आपको उसका ब्रेकडाउन मिलता है जो ये सपोर्ट बना हुआ है, ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। अगर आपको उसका भी ब्रेकडाउन मिला जो 31st का डे लो है, ये आपके लिए सीधे सीधे टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो जो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा, तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए टारगेट बनेगा 40,000 के जोन में जाते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, मैंने एक बात और समझाई है आपको, जब जब मार्केट राउंड लेवल के पास जाता है, चाहे वो 40,000 का हो, 41,000 का हो, 39,000 का हो, मतलब कोई भी राउंड लेवल, समझदारी उसी होती है आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो और फिर शांति से बैठ जाओ और प्राइस एक्शन पे फॉलो करो कि भाई क्या प्राइस एक्शन आपको वहां पे दिखाई दे रहा है और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे 40,000 का एक प्राइस एक्शन समझाता हूँ एक एग्जांपल से। देखो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उससे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे लॉजिक, मान लो मार्केट आता है 40,000 के पास में और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने लगता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में फाइट चल रही है। भाई बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे। ये पहली सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? मार्केट सीधा ही ब्रेकडाउन दे, तो इसमें आपको सेलर्स की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरह की ट्रैपिंग भी होती है, वो भी मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया, लेकिन एक एक पॉइंट पर फोकस करना। तो हम पहले इस वाले केस को डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दिया, देखो पहले तो हम इस जोन में जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन अगर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दिया तो आपको यहाँ पे सेलर हावी होते हुए दिखाई देंगे। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ से सेलिंग को प्लान कर सकते हैं, पहली सिचुएशन। अब यहाँ पे काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जरूरी तो नहीं है मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट भी तो दे सकता है। अगर ये सिचुएशन बनती है तब आप बाइंग की प्लान कर सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ। क्यों हाफ क्वांटिटी के साथ? क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट 40,000 तक आएगा इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हाफ क्वांटिटी के साथ जाए, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करो। ये भी चीजें क्लियर होगी।
अब मान के चलो मार्केट यहाँ पे आ गया और सीधा ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, इस वाले केस को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको एक बात हमेशा बताई हुई है कि जब भी मार्केट किसी इंपोर्टेंट लेवल का सीधा चाहे ब्रेकआउट दे चाहे ब्रेकडाउन दे, इसका मतलब वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा समझदारी उसमें होती है कि मार्केट को जो एक्सपोजर करो, या तो वो वापस आके कुछ रिटेस्ट करेगा फिर मोमेंटम दिखाएगा, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि वो एक चलती ट्रेन बन जाएगा और उस चलती ट्रेन में हम प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे घुसने के लिए, या फिर मार्केट अगर सीधा ब्रेकडाउन देके जा रहा है तो कुछ साइडवेज हो जाएगा और फिर हमें मोमेंटम देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश